Submitted its report on August 7, 2013. Bill left at term of Lok Sabha ended in 2014. अगर सरकार को पास ही कराना था तो इसको राज्यसभा में भी तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, वहां लैप्स ना होता। कोई भी बिल लैप्स कब हो जाता है, ध्यान दीजिए, या तो सरकार उसे वापस ले ले या संसद उसको पास ना करे या फिर लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाए। तीन कंडीशंस होती हैं कोई भी लैप्स होने की। और 115वां बिल इसलिए लैप्स हो गया था, क्यों? क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया था। तो इसका मतलब है कि इस बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, तो लोकसभा में ही इस बिल को क्यों प्रस्तुत किया गया था? Why it was introduced in Lok Sabha? Because it was a money bill and money bill can be introduced only in Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Upper house में money bill को introduce नहीं किया जा सकता है। तो money bill होने की वजह से इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि लोकसभा ने पास नहीं किया और उनका टर्म खत्म हो गया तो ये लैप्स हो गया। सरकार ने इसके बाद 122वां बिल लाया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास बाय लोकसभा 2015 बिल रेफर टू 21 मेंबर सेलेक्ट कमेटी ऑफ राज्यसभा हेडेड बाय भूपेंद्र यादव July 22, 2015 सेलेक्ट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट all 29 states and 9 UTs will have to pass their states and finally GST was launched on 1st July 2017 already discussed मैंने इसको डिस्कस कर दिया है कि why the constitution amendment bill in parliament संविधान संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में ही क्यों लाया, पार्लियामेंट में संविधान संशोधन बिल क्यों लाया गया था, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं जीएसटी काउंसिल पर। फोटोग्राफी से तो मैं बार बार मना कर रहा हूं, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और पीछे अपनी फोटोग्राफी बंद कर दीजिए। दिस इज अ लेक्चर गोइंग ऑन, आपकी हरकतों से बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप ये काम बाद में जाकर के कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल, तो बिल कंसिस्ट ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए सारा पावर जो जीएसटी का है वो जीएसटी काउंसिल को दिया गया है। अभी तक टैक्स लगाने का अधिकार, टैक्स हटाने का अधिकार फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत फिजिकल फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को अपने बजट के माध्यम से जो अधिकार प्राप्त थे वो अधिकार अब शिफ्ट हो गए जीएसटी काउंसिल को। यानी अब यहां पर जीएसटी काउंसिल बना दिया गया है और इस जीएसटी काउंसिल को ही ये सारा अधिकार दिया गया है कि वो जीएसटी में इंप्लीमेंटेशन करे, जीएसटी को मॉडिफाई करें, बढ़ाए घटाए या किसी रेट को वो कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है या हटा सकता है। लेकिन जीएसटी काउंसिल में शामिल कौन कौन से लोग हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, रेवेन्यू मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा रेवेन्यू मिनिस्टर या कई बार हम इसको कई देशों में कहते हैं रेवेन्यू फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट, राज्य वित्त मंत्री, यानी जो राज्य वित्त मंत्री होते हैं उनको कई बार हम यहां पर कई देशों में होते हैं, अदरवाइज देयर इज रिटन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन आर एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। यानी अब इसको अगर हम समराइज करें तो ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो रेवेन्यू देखते हैं,
या इसके बाद सभी राज्यों के वित्त मंत्री, कई बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से कई मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जो वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने पास रखे होते हैं। इन केस ऑफ दैट सिचुएशन द चीफ मिनिस्टर विल रिप्रेजेंट देयर एज ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो इसमें जीएसटी काउंसिल में कौन कौन शामिल है? फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स। डिसीजन विल बी मेड बाय 3/4 मेजॉरिटी ऑफ वोट कॉस्ट, 3/4 बहुमत से डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट यहां पर है, सेंटर सर है वे थर्ड ऑफ वोट। सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव कौन, कितने लोग हैं? सिर्फ दो लोग, मात्र दो लोग सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो दो लोग कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रेवेन्यू। सिर्फ दो लोग और वोट का परसेंटेज कितना है? थर्ड, 1/3, 3/4 मेजॉरिटी से पास होगा। लेकिन 1/3 बहुमत सरकार के पास अकेले है, सिर्फ दो दो लोगों के पास है। तो ये ट्विस्ट है सरकार का कि सारा वोट तो हम अपने पास लेके बैठेंगे, तो चाहेंगे वो करेंगे। स्टेट्स दैट होल्डर हैव 2/3, सारे स्टेट मिलाकर के 2/3 मेजॉरिटी रखेंगे और 1/3 मेजॉरिटी विल बी विद द सेंटर। Mechanism for resolving disputes arising out of its recommendations may be decided by the council itself. अगर कोई भी विवाद, कोई भी प्रॉब्लम होती है राज्य और केंद्र सरकार, ऐसे केस में the GST council will resolve the matter. It will be the supreme power to resolve the matter. Work of GST council. The GST Council shall make recommendations on किस-किस पर taxes to be subsumed, कौन से tax इस पर समाहित किए जा सकते हैं, किन taxes को exempt किया जा सकता है, exemptions। अब आते हैं GST पर। GST का tax structure है कैसा? Direct tax हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स जो आते हैं वो डायरेक्ट टैक्स में होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, अब क्या होता है जीएसटी, तो जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होगा? इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि जब आप एक राज्य का सामान वहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहीं बेच रहे हैं, तो उस पर सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। यानी इसके दो पार्ट होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एसजीएसटी, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। ये तब की कंडीशन है जब आप उसी राज्य में सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी राज्य में सामान बेच रहे हैं। इंटर स्टेट आईजीएसटी, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तब की कंडीशन है जब आप सामान बना रहे हैं कहीं और बेच रहे हैं कहीं और, या फिर किसी सामान को बनाने के लिए कहीं से आप रॉ मटेरियल किसी और राज्य से मंगा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स इंप्लीमेंट होगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कंडीशन को आपको बता दें, केंद्र सरकार वसूलेगी और कंसर्न्ड स्टेट के साथ बंटवारा करेगी। सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑलरेडी वसूलेगी राज्य सरकार, लेकिन बराबर बराबर भागों में बांट लेगी। सीजीएसटी चला जाएगा केंद्र के पास, एसजीएसटी चला जाएगा राज्य के पास। तो आईजीएसटी में कितना बंटवारा होगा? यहां तो बराबर बराबर होगा, तो आईजीएसटी में
इसका निर्धारण कौन करेगा? पहले से ही जीएसटी काउंसिल करती है कि आई जीएसटी में किसका कितना हिस्सा होगा। अभी की डेट में, आज की डेट में जीएसटी काउंसिल ने जो निर्धारित किया है वो ये है कि आधा आधा, आधा केंद्र को चला जाएगा और आधा राज्य को जाएगा। तो सीजीएसटी में कौन कौन से टैक्स शामिल हुए? सेंट्रल एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सीबीडी, सर्विस टैक्स, सरचार्जेस एंड ऑल टैक्स। व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। आईजीएसटी में सीएसटी, सेंट्रल स्टेट टैक्स, सेंट्रल और स्टेट दोनों टैक्स आईजीएसटी में शामिल है। लेकिन ये तभी इंप्लीमेंट होगा जब आप व्यापार एक राज्य दूसरे राज्य में कर रहा है, व्यापार यानी प्रोड्यूस हो रहा है इसी राज्य में और जा रहा है किसी और राज्य में। एक वीडियो है, वीडियो को कैसे ये काम करेगा, वीडियो को मैं सबसे लास्ट में सारे वीडियो को चलाऊंगा। तो अभी आप सिर्फ इसके बारे में समझ लीजिए, वीडियो सबसे लास्ट में, किस पर कितना टैक्स है, किस पर कितना टैक्स है ये आप देख लीजिए। जीएसटी की पांच रेट है, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 0% टैक्स, यहां ध्यान देने वाली बात है, केंद्र सरकार ने 0% टैक्स क्यों लगाया है? या तो टैक्स ना ही लगाती। तो 0% टैक्स लगाने का मतलब ही क्या है? 0% टैक्स लगाने का मतलब यह है कि एटलीस्ट आज की डेट में आप ये इसेंशियल गुड्स हैं जो सामान्य जन हमेशा अपने डेली रूटीन की लाइफ में प्रयोग करते हैं। इसेंशियल गुड्स पर 0% का टैक्स लगा है। लेकिन सरकार ने यह कहा कि अब अगर आप इसका जब रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन रिटर्न फाइल तो करेंगे आप। जब रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कितना आपने सेल किया है यह पता चलेगा। और अगर यह पता चलेगा तो जीएसटी नहीं इंप्लीमेंट होगा। लेकिन कहीं थोड़ी लिखा है कि इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। जब आपका वॉल्यूम ऑफ सेल्स पता चल गया तो उससे होने वाली इनकम भी तो पता चल गई, तो आप इनकम टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। इसलिए ये 0% है, सो दैट यू शुड बी कंपेल्ड, यू विल बी कंपेल्ड टू टेल द वॉल्यूम ऑफ योर सेल्स। और जब वॉल्यूम ऑफ सेल्स पता चल गया तो आप इनकम टैक्स एग्जम्प्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यापारी जीएसटी भी देता है और इनकम टैक्स भी पेमेंट करता है। आप ये जान लीजिए कि इनकम टैक्स भी उसे देना पड़ता है। तो जीएसटी 0% किन किन चीजों पर लगा है, इसमें खास करके आपको बता दें, अनपैकेज्ड फूड ग्रेन्स, फ्रेश वेजिटेबल, अनब्रांडेड आटा, अनब्रांडेड मैदा, अनब्रांडेड बेसन, गुड़, मिल्क, एग्स, कर्ड, कर्ड दही, लस्सी, अनपैकेज्ड पनीर। अगर पैकेजिंग में आएगी पनीर तो 5% जीएसटी है, अगर अनपैक्ड है तो 0%। अनब्रांडेड नेचुरल हनी, शहद, लेकिन अगर डाबर का शहद खरीदेंगे तो उस पर जीएसटी है। प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं जो, जैसे आप वो, हाँ, राम नाना जो क्या खरीदते हैं, नमक, लड़कियों के लिए है काजल, काजल पर भी जीएसटी 0% है। फूल भरी झाड़ू, सरकार मार खाने के डर से बच रहे। चिल्ड्रंस ड्राइंग एंड कलरिंग बुक्स, एजुकेशन सर्विस एंड हेल्थ सर्विस, इसीलिए सरकार ने फूल भरी झाड़ू हटा दिया। 5% में कौन कौन सी है?
sugar, tea, roasted coffee, beans, edible oils, skimmed milk powder, milk food for babies, packed paneer, cashew nuts, राइसिन, पीडीएस, केरोसिन, पीडीएस जो आइसिन केरोसिन जो मार्केट में बेची जाती है उस पर नहीं, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो बेची जाती है, यानी जिसके लिए कोटा है, जिसके लिए कोटा है उसकी बात की जा रही पीडीएस केरोसिन की। डोमेस्टिक एलपीजी, फुटवियर 500 रुपए तक, अपेरल्स 1000 रुपए तक, अगरबत्ती, क्वायरमेट्स, मैटिंग एंड फ्लोर कवरिंग 5% में है, 12% में बटर, घी, आलमंड, फ्रूट जूस, आलमंड, बादाम, फ्रूट जूस, जैम, जेली, अम्ब्रेला, मोबाइल, पैक्ड कोकोनट वाटर, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग पिकल, मुरब्बा एंड चटनी 18% में। आपको ये बता दें, आपको ये बता दें कि इसके पहले 128 प्रोडक्ट ऐसे थे जो 28% के ब्रैकेट में आते थे। सरकार ने उनमें से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट को जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स या जरूरी प्रोडक्ट्स थे उनको अब 18% में ला दिया। अभी अगली स्लाइड में है वो 18% ब्रैकेट में ला दिया और 28% के ब्रैकेट में आप केवल 50 प्रोडक्ट्स ही बचे हैं। और 50 प्रोडक्ट्स वे प्रोडक्ट हैं जो लग्जरियस आइटम्स में माने जाते हैं, जिनका जिनको हम मानते हैं कि ये जनरली लग्जरी आइटम्स हैं। फोर मेंबर हाउसहोल्ड विद टू किड्स, अगर दो बच्चों के साथ पत्नी है तो उनके ऊपर कितना असर पड़ेगा जीएसटी का, इसका एक कैलकुलेशन किया गया था। एक ग्लिम्स देख लीजिए, यानी अगर वो टोटल 41,167 खर्च कर रहे हैं, 41,250 रुपए का अमाउंट, तो जीएसटी के लागू होने के बाद 41,737 रुपए खर्च करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, अगर इंटरेस्ट ना हो तो बंद कर दें। द जीएसटी काउंसिल इन इट्स नवंबर मीटिंग लास्ट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन गुवाहाटी प्रूव द नंबर ऑफ आइटम्स।